हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस सुपर से पॉजिटिव नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। रीडिंग रहने वाली है लियो सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि लियो सोल ट्राइब का अप्रैल 2024, और आई थिंक अब मुझे 2024 तो कहना भी नहीं चाहिए है। सो अप्रैल कैसा रहने वाला है ओवरऑल, जनरली कलेक्टिवली, ये इनकी कंप्लीट रीडिंग होगी। लियो सोल ट्राइब की जनरल है, कलेक्टिव है, इस वजह से हो सकता है इसकी हर एक चीज़ हर एक से पूरी पूरी रेजोनेट ना करे, लेकिन अगर ये रीडिंग आपसे 40% भी रेजोनेट करती है सो आप इसे देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि लव रीडिंग, करियर रीडिंग, सारा कुछ इमोशनल एस्पेक्ट, ठीक है, आपका एनर्जी का एस्पेक्ट सारा कुछ इसी रीडिंग में रहेगा। मंथ वाइज मैं अलग अलग रीडिंग्स नहीं बनाती हूँ कि करियर की रीडिंग अलग और लव की रीडिंग अलग। सो इसी रीडिंग में हम डिटेल में बात करेंगे लियो सोल ट्राइब के बारे में कि अप्रैल उनके लिए ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली क्या लेके आ रहा है। और जब तक मैं आप लोगों के कार्ड शफल कर रही हूँ, ठीक है, आज मैं सारे कार्ड एक साथ ही शफल कर लूंगी और बाद में उनको रीड करूंगी। सो जब तक कार्ड शफल हो रहे हैं आप अपने लिए ना प्रे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ विजुलाइज करना है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आप चाहते हैं लाइफ में अपने लिए, ठीक है, खासकर अप्रैल के महीने में कोई ऐसी विश है, कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन है, कोई ऐसी इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तो आप वीडियो को पॉज करके भी कुछ अपने लिए मांग सकते हैं। ओके और यहाँ पे हम कुछ कार्ड शफल करेंगे गाइडेंस के लिए, और आप मेरी रीडिंग्स को काफी पसंद कर रहे हैं, जोडियक्स की रीडिंग को मुझे काफी अच्छा लगता है। कमेंट्स करके आप बताते भी हैं कि फर्दर वीडियोस आपको किन टॉपिक्स पे चाहिए हैं, वो भी मुझे अच्छा लगता है। और आपके सजेशंस को फॉलो करके मैं आपको सारी ही डिजायर्ड वीडियो जो आप चाहते हैं देने की कोशिश भी करती हूँ। और ये सारे कार्ड्स एक बार शफल कर लूंगी ना, इससे आपका टाइम भी सेव होगा, क्योंकि रीडिंग लंबी करके, लंबी खींच के उसमें आपका टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि टाइम की वैल्यू मैं जानती हूँ। हर किसी के लिए टाइम जो है एक एसेट है, और किसी का भी टाइम हमें ना अपने फायदे के लिए या अपनी शॉर्टकमिंग की वजह से वेस्ट नहीं करना चाहिए है। इस चीज़ को गाइस आप लोग भी ध्यान रखिएगा, लाइफ में कभी किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी वजह से, ठीक है, क्योंकि टाइम की बड़ी कीमत है, एक बार गया हुआ टाइम फिर लौट के नहीं आता है। सो गाइज यहाँ पे हमने ना आपके सारे कार्ड शफल कर लिए हैं, एंड ये अच्छा रहेगा, और आगे से कोशिश करेंगे कि रीडिंग में ना कार्ड्स को हम ऐसे ही पहले से शफल कर लिया करेंगे। सो यहाँ पे कार्ड्स देखना शुरू करते हैं। आहो, क्या बात है लियो सोल ड्राइव। एक तो आप स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, एक आप लियो हैं, जंगल के शेर हैं, जोड़ियक के राजा हैं, और आपकी रीडिंग में ना, आप पीछे भी रीडिंग जाके देखिएगा, आप मार्च की रीडिंग देखिएगा, फरवरी की रीडिंग देखिएगा, आप देखिएगा आपकी ना, आपकी रीडिंग में स्ट्रेंथ वाला कार्ड 8 नंबर कार्ड, और लियोज का जो मंथ होता है मोस्टली अगस्त ही होता है। कुछ लोग, कुछ ही लियोज होते हैं जो जुलाई बोर्न होते हैं, मोस्टली उनमें से होते हैं अगस्त बोर्न, तो आपका खुद का मंथ है 8, ठीक है। सो ये कार्ड आ गया है तो बहुत ही अच्छी सी बात है। रीडिंग को पोज करके आप भगवान को धन्यवाद भी दे सकते हैं, क्योंकि आप स्ट्रांग है ना, अगर तो बहुत कुछ लाइफ में आप वैसे ही पा लेते हैं। जीवन की जो आधी जंग है ना वो लियो सोल ट्राइब वैसे ही जीत लेता है। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और 6 ऑफ वॉन्ड्स है, आई मीन रियल डील यहाँ पे है। 6 ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत ही प्यारा कार्ड होता है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है, खुद की मेहनत से बहुत कुछ करेगा लियो सोल ट्राइब। टेम्परेंस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, गुड, और एस ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार, आई मीन वाव, ये हुई है रियल डील। अब इन कार्ड्स को मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ फॉर टाइम बींग, अदरवाइज कंफ्यूज करेंगे।
और यहाँ से हम रीडिंग शुरू करते हैं गाइस। रीडिंग बहुत ही प्यारी आई है, बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं। मेरा जो सोल ट्राइब है वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, टैरो की रीडिंग देखता है और काफ़ी हद तक इंट्यूटिव भी है और साइकिक भी है, तो स्मार्ट वाला सोल ट्राइब है मेरा। तो आप लोग काफ़ी स्मार्ट हैं, सो आप टैरो की रीडिंग देखते ही नहीं हैं, आप कार्ड्स को पढ़ना भी सीखते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ना कार्ड्स को पढ़ना सीख गए होंगे। सो यू कैन सी हियर कि 9 कार्ड्स में से ओनली 1 कार्ड इज रेयर, 8 ऑफ कप्स, और इसको भी हम नेगेटिव नहीं बोल सकते कि पूरा ही नेगेटिव है। तो इसको भी मैं जिस तरह से पढ़ूंगी ये पॉजिटिव ही आपको फीडबैक देगा। तो 9 के 9 कार्ड्स रीडिंग में पॉजिटिव आ जाना, आई मीन इट्स अ डील। सो अप्रैल बहुत ही अच्छा जाने वाला है, नो डाउट। लियोज का और सबसे पहला कार्ड ही आया स्ट्रेंथ का, और जो इंसान स्ट्रांग है, स्ट्रांगली बिहेव करता है, सो बहुत ही अच्छा यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा देखूँ, और लियोज़ का आई डोंट नो 2024 में जितनी भी रीडिंग कर रही हूँ, जनरल, कलेक्टिव और अलग से, लियोज़ का मैं जहाँ भी कर रही हूँ, कोई शॉर्ट रीडिंग भी निकाल रही हूँ, कोई बड़ी वीडियोस भी बना रही हूँ, तो लियोज़ का भाई वर्क प्रेशर का ही यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। प्रेशर, आई एम सॉरी, प्रेशर नहीं, वर्क फोर्स का ज़्यादा आ रहा है, मतलब काम का एस्पेक्ट ज़्यादा है। आप पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं, और ऑब्वियसली एक इंसान जब मन बनाता है कि 2024 में मैंने काम करना है, कुछ करके दिखाना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि फरवरी में सोचेगा और मार्च में नहीं करेगा, भाई वो पूरे साल करेगा। तो वो पूरे साल में उनकी रीडिंग में कार्ड्स इस तरह के ही आ रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ को तो मुझे लगता नहीं है कि मैं और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करूँ, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वही शेयर है, कहीं ना कहीं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएगा, ठीक है। इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए ना, ये मेमना भी दिखाया है, सो हो सकता है कुछ लोग ना दूसरों के इफेक्ट में आके, दूसरों को खुश करने के लिए लियो सोल ट्राइब कभी कभी मेमने जैसा भी बिहेव करता हो, लेकिन यहाँ पे है कि उनको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ही आना पड़ेगा, और वो आएंगे। यहाँ पे अप्रैल के में ढेर सारा काम है जो उनको स्ट्रेंथ के साथ करना होगा। और गाइस, मेरी ना ये कैंडल बुझने वाली है, मैं रीडिंग को अभी 2 सेकंड के लिए पॉज करके एक नया कैंडल लगा लेती हूं। सो हमने नया कैंडल लगा लिया है, और ये भी एक बहुत अच्छा सा ऑस्पिशियस सा एक चीज़ होती है कि हो सकता है ये कैंडल बुझ जाती और मैं पूरी रीडिंग कर देती, ठीक है, और फिर बाद में हम कुछ कह भी नहीं सकते, एक बार रीडिंग हो गई तो हो गई। सो मुझे वो दिख गई और मैंने नया कैंडल जला लिया, यानी कि ढेर सारी आपका, अगर मैं कलेक्टिव इस चीज़ से पिक करूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको लाइफ में ऐसा लगे कि कुछ बात नहीं बन रही है और एफर्ट्स कहीं ना कहीं वेन में जा रहे हैं और एफर्ट्स का कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एकदम से फिर रिजल्ट मिलेगा, आप अपना रास्ता बदल सकते हैं, जैसे मैंने कैंडल चेंज की है। तो यहाँ पे आपके लिए है कि अगर आप स्टक हो जाएं 2024 में अप्रैल में, सो आप अपना रास्ता भी बदल सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड ही है जो जिस बारे में अभी बात हो रही है, 8 ऑफ कप्स है, तो थोड़ा सा बहुत बार अप्रैल में हो सकता है ऐसा इम्पैक्ट आए। और आपने देखा है, आप ना पास्ट को कैरी नहीं कर रहे हैं, और जो भी इंसान लेट गो करता है, मूव ऑन करता है, जिसको आगे बढ़ना है ना, वो पास्ट का बैगेज कैरी भी नहीं कर सकता है। तो जिसे कहते हैं ना कि जितना कम सामान उतना सफ़र आसान, इस चीज़ को तो आप ना लिख लीजिएगा कहीं, जितना कम सामान, ठीक है, या फिर कम सामान सफ़र आसान, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसने क्या है कि हो सकता है अप्रैल में आपको लगे कि थोड़ा सा ना स्टक हो गए हैं, थोड़ा सा चीज़ें ना जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता है। बहुत बार चीज़ें इस हिसाब से डिज़ाइन होती हैं कि रिजल्ट एकदम से मिल भी नहीं पाता है। तो वहाँ पे आपके लिए यही है कि अगर स्टक हो गए हैं तो रास्ते को बदलें, दिशा को बदलें, जैसे हमने कैंडल बदली है अभी। तो आपके लिए ये परफेक्ट टाइम पे ही रीडिंग में सब कुछ हुआ है, तो यहाँ से आपको गाइडेंस भी मिल रही है। अगर आपको स्टक जैसा लग रहा है या लगे अप्रैल के महीने में, खासकर जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं उनका रिजल्ट ना मिले, तो हो सकता है आपको अपनी दिशा बदलने की जरूरत पड़े फॉर टाइम बीइंग। और मैं कह रही थी कि जितना कम सामान उतना सफ़र आसान, तो पास्ट के बैगेज को जो छोड़ देता है वही आगे चल पाता है। अगर मैं कहूँ कि आपको ना बहुत लंबा जाना है और बहुत सारा सामान आपको मैं दे दूँ कि ये सारा सिर पे लेके आपको जाना है, तो जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। तो जो पास्ट है हमारा, जो पास्ट के बैगेज हैं, जो दुख दर्द हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो किसी ने हमारा बुरा किया है, दिल दुखाया है, जितनी भी पेनफुल चीज़ें हैं, हर्टफुल चीज़ें हैं, अगर उनको हम याद रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब मैं ना अपनी रीडिंग में बहुत बहुत बार बहुत बहुत चीज़ें बताती हूँ, और रीडिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कार्ड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें होती हैं। तो इस पूरी रीडिंग में अगर आप एक चीज़ भी ध्यान रख लें, पल्ले गांठ मार लें कि कम सामान सफ़र आसान, तो आपका सफ़र वैसे ही आसान हो जाने वाला है। और यहाँ पे ना 6 ऑफ वांड्स के थ्रू, अब आपका यहाँ पे ना
लव वाला एस्पेक्ट, इमोशन वाला एस्पेक्ट ना काफी ही कम आया है, क्योंकि एक इंसान है जिसने अपना सर्वस्व दे दिया है अपने काम को, ठीक है, और अप्रैल के मंथ में इतना नहीं आ रहा है, उसको अपने काम से ही प्यार है। अब यहाँ पे क्या है, प्यार जो है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो है, जिसके लिए हम लवर ढूंढते हैं, दूसरा इंसान ढूंढते हैं, फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, वहां पे उस इंसान लियो सोल ट्राइब को ना ये सारा का सारा सेटिस्फेक्शन, ये सारा का सारा सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सारा का सारा प्यार, आत्मसम्मान, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, ये सब अपने आप से ही मिल रही है, ठीक है। और जब हमें ये चीजें अपने आप से ही मिलती हैं, तो हम सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हैं। सो हो सकता है लियो सोल ट्राइब सेल्फ लव को ही प्रैक्टिस कर रहा हो, इसीलिए प्यार का एस्पेक्ट उतना आया नहीं है। और बहुत बार ये भी होता है कि कोई टाइम होता है जब वो टाइम ना किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए होता है, लाइक एक टाइम आता है लाइफ में कि अभी ना मुझे करियर पे ही फोकस कर लेना चाहिए, ठीक है, तो वो है टाइम अप्रैल में लियोज के लिए। इसीलिए लियोज की रीडिंग में एक भी कार्ड इस तरह का नहीं आया है कि प्रेम प्यार वाला, तो हो सकता है आप लोगों ने इसको स्टैंड बाई पे रखा हो इस वाले एस्पेक्ट को अप्रैल के महीने में, कि नहीं भाई काम करना है, काम का बहुत प्रेशर है। और वैसे भी जो हमारी ये ऑडिट वगैरह होती हैं, क्लोजिंग होती हैं कंपनीज में, वैसे भी काम का बहुत प्रेशर होता है मार्च और अप्रैल में, मार्च में टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो अप्रैल तक खींचते हैं, अप्रैल एंड तक खींचते हैं। तो हो सकता है कि उस तरह का एस्पेक्ट भी हो कि लियो सोल ट्राइब को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके काम में ही मिल रखी हो, लेकिन उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी वो उनको पूरा करेंगे, ठीक है, और अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे। और सक्सेस का उनको ना, जैसे कहते हैं एक मेडल दिया जाता है, तमगा दिया जाता है, एक इंसान को हम देखते हैं, अप्रिशिएशन देते हैं, अटेंशन मिलती है, फोकस मिलता है, लोग तालियां बजाते हैं, तो ढेर सारी अप्रिसिएशन है गाइस आप लोगों के लिए ना अप्रैल के महीने में। वो अब आप देख लीजिएगा कि आप किस फील्ड में तारीफें जुटाएंगे। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स है, सो इस कार्ड का मतलब ही होता है अपनी मेहनत के दम पे कुछ करना। और लियो सोल ट्राइब जो कुछ भी करेगा ना वो अपनी मेहनत के दम पे ही करेगा। जोडियक में भी हम अगर पैदा हो गए हैं, कोई लियो है, कोई जेमिनाई है, कोई एक्वेरियस है, तो वो उनके पुराने कर्मों का ही फल है कि वो किसी एक पर्टिकुलर घर में पैदा हुए, एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए, एक पर्टिकुलर पेरेंट्स के पास पैदा हुए, एक पर्टिकुलर मंथ में पैदा हुए, उनका एक पर्टिकुलर जोडियक बना, तो वो सब ना हमारा कार्मिक बॉन्डेज ही है सारा का सारा। सो लियो सोल ट्राइब में जो लोग पैदा होते हैं, हाँ उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ होता है, और इसीलिए क्योंकि उनको संघर्ष करना है तो कुदरत उनको स्ट्रांग बना के भेजती है, ठीक है। तो जो भी करेंगे अपने दम पे करेंगे, और ये तो जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है लियो के लिए, कि लियो को ना कोई गड़ा हुआ खजाना कभी मिलने भी नहीं वाला है। लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई होगी, चीजें स्लो होंगी, लेकिन होंगी तो ऐसी होंगी कि दूसरों के लिए कभी नहीं हुई होंगी। नेक्स्ट कार्ड में बताऊंगी मैं इसको। सो सेल्फ डाउट से बाहर आएंगे अप्रैल में, और अपनी मेहनत के दम पे, अपनी मेहनत पे यकीन करेंगे, और अपनी मेहनत से काफी कुछ बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएंगे, स्टार की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड मैंने बोला है स्टार की एनर्जी है कि ठीक है, लियोज के लिए चीजें स्लो होती हैं। लियोज को अगर किसी और सोल ट्राइब को कुछ करना है, किसी और जोडियक को कुछ करना है, तो उसको हो सकता है वो चीज 10 एफर्ट्स लगाने से मिल जाए, वहीं पे लियोज को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे 100, और वो 100 लगा सकते हैं। कुदरत को पता है, ठीक है, लाइफ को पता है कि ये 100 दे सकता है, ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी है, इसको स्ट्रोंग बना के भेजा है कि ये दे सकता है, ठीक है। तो लियोज के लिए चीजें मुश्किल होती हैं, लियोज के लिए चीजें स्लो डाउन होती हैं, क्योंकि 8 नंबर आ गया है ना। लियोज मोस्टली पैदा होंगे 8 मंथ में, ठीक है, 8 मंथ में होंगे पैदा, तो 8 आ गया है उनके ग्रिड में। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखें 8 हो गया, 8 का मतलब है शनिदेव, शनिदेव का मतलब है चीजें स्लो, स्ट्रगल, बहुत ज्यादा एफर्ट्स के साथ चीजें होंगी, तो 1-1 तो उनको बाय डिफॉल्ट मिलता है। और 1 जब भी आएगा, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आए, मंथ में आए, आपके ईयर ऑफ बॉर्न में आए, आपकी पर्सनैलिटी में आए, आपकी डेस्टिनी में आए, चीजों को स्लो करेगा। तो या तो बाय डिफॉल्ट लियोज, क्योंकि 8 वाले मंथ में पैदा हुए हैं, अगस्त में पैदा हुए हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट है। ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि काफी सारे कमेंट आते हैं कि लियोज की लाइफ में ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो अब मैं रीडिंग में ना वो ऐसा क्यों वैसा क्यों भी साथ साथ में एक्सप्लेन करना शुरू कर रही हूं, ताकि लियोज को थोड़ा सा ना मन की तसल्ली मिले कि हाँ भाई ऐसा इसलिए है। और जैसा भी है गाइज, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने सारा एक्सप्लेन किया आपको, आपको लियो ही क्यों बनाया है, आपका मंथ अगस्त ही क्यों है, लियोज का मंथ जनवरी भी तो हो सकता था, पर नहीं है ना भाई। लियोज को पैदा किया ही है 8 मंथ में, ताकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 जुड़े, ताकि वो उनका कोड बने। ये सीक्रेट कोड्स होते हैं इंसान के कार्मिक बॉन्डेज को दिखाने के लिए। तो कार्मिक लाइफ है भाई लियोज की, ठीक है, तो यहाँ पे ना बलिदान देना होगा और यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो बलिदान दिया है लियो सोल ट्राइब ने, मेहनत की है,
सेल्फ डाउट से बाहर आए हैं और यहाँ पे स्टार की तरह चमकेगा सोल ट्राइब। और ये वाला कार्ड भी अगर देखें सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का है, लेकिन स्टार की तरह चमकेगा सोल ट्राइब। और यहाँ पे इस वाले कार्ड के थ्रू मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की ना ये वर्क प्लेस पे सक्सेस के साथ ना हो सकता है कि उनकी रोका सेरेमनी, शादी, इंगेजमेंट, या फिर हम डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ हम शादी करेंगे या इससे करेंगे वैसे करेंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए डबल सेलिब्रेशन है। ठीक है, प्रमोशन भी है, सैलरी हाइक्स भी हैं, और प्रमोट के कहीं दूर भेजना भी है, और ढेर सारी सेलिब्रेशन भी है, ढेर सारी यहाँ पे ना एप्रिसिएशन भी है, तारीफें करेंगे लोग, और ढेर सारी सेलिब्रेशन। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ लोगों ने टारगेट सेट किए हुए थे कि जब मैं टारगेट वर्क में अचीव कर लूंगा तो मैं शादी कर लूंगा। ठीक है, या थोड़ा स्टैंड, जिसे कहते हैं, मैंने वर्ड यूज किया था, स्टैंड बाई पे था प्यार वाला मामला, तो वो यहाँ पे सिरे चढ़ेगा। बहुत सारे लोगों की ना लोग अनाउंस करेंगे कि ठीक है अब हम शादी कर लेंगे, शादी हो या ना हो, लेकिन कोई अनाउंसमेंट पार्टी, कोई छोटी मोटी पार्टी, शादी ना भी हो, और बहुत सारे लोगों की एक्चुअल में शादी होगी अप्रैल के महीने में, या शादी के रिगार्डिंग कोई बात आगे बढ़ेगी उसी से जिससे आप प्यार करते हैं, डोंट वरी, और घर वालों की मर्जी से, क्योंकि लियो सोल ट्राइब ने यहाँ पे अपने आप को प्रूव कर दिया है। ठीक है, इसलिए घर वाले रेडी होंगे। जब एक इंसान अपने आप को ना किसी चीज के लिए डिजर्व करता है, फिर डिजायर करता है, तो सामने वाला भी उस चीज की इज्जत करता है। ठीक है, तो करियर में आप सेट है नहीं है, प्यार आपने कर लिया है, शादी आप करना चाहते हैं, तो घर वाले माने तो कैसे माने भाई। ठीक है, तो स्टार की तरह चमकेगा सोल ट्राइब, मतलब आप सेंटर ऑफ अटेंशन बनेंगे। आई डोंट नो किस फील्ड में, किस तरीके से, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन हर कोई यहाँ पे जो भी इस रीडिंग को देख रहा है कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अटेंशन बनेगा अप्रैल के मंथ में। कुछ ऐसा करेगा, कुछ ऐसा होगा कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बने। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, और लियो सोल ट्राइब के कार्ड ना बहुत ही डिफरेंट आए हैं, सॉर्टेड है। लियो सोल ट्राइब ना लाइफ में सॉर्टेड है पहली बार ना, कि उनको पता है, मतलब वो कंफ्यूज नहीं है, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया, एक भी कार्ड कंफ्यूजन वाला नहीं है, एक भी कार्ड कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी इस तरह का नहीं है, एक भी कार्ड इस तरह का नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है। मतलब बहुत बहुत क्लैरिटी है अपने आप को लेके, अपने आसपास के लोगों को लेके, अपने काम को लेके, अपनी कैपेबिलिटीज को लेके, बहुत बहुत क्लैरिटी होती है ना लोगों के मन में, तो वो है यहाँ पे। और टेम्परेंस का कार्ड तो और सोने पे सुहागा कर रहा है, यानी कि कुछ इंट्यूशन, कुछ इनर विजडम। लियो सोल ट्राइब ना इंट्यूशन भी डेवलप करेगा, और चीजों को बिफोर हैंड देख लेना है ना। पहले लियो सोल ट्राइब कैसा था कि चीजें सामने थी लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहते थे, ठीक है, बाउंड्रीज नहीं बनाते थे, जिसके साथ करना है दोस्ती तो आंख बंद करके करनी है, जिस पे भरोसा करना है तो आंख बंद करके करना है, किसी के लिए एफर्ट्स करने हैं तो बहुत ज्यादा कर देने हैं, ठीक हो, किसी को लाइफ से निकालना है तो कंप्लीटली निकाल के नो कॉन्टेक्ट करके भगा देना है, तो वो नहीं है। अब कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा है, अपने इमोशंस पे काम किया है, अपने ऊपर काम किया है, टॉक्सिक टाइज को खत्म किया है, लोगों को पहचानना सीखा है, खुद के बारे में बहुत सारी चीजें जानी है, खुद की नेचर को जाना है। ठीक है, दूसरों को जानने के लिए आपको पता है सबसे पहले खुद को जानना पड़ता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे ढेर सारा इनर विजडम, ढेर सारा इंट्यूशन, चीजों को होने से पहले बिफोर हैंड जान लेना, अपने फ्यूचर के बारे में हल्की सी ग्लिम्प्स आ जाना, ये भी होता है इस कार्ड का मतलब, थोड़ा सा ग्लिम्प्स आ जाना कि चीजें कैसे हो रही हैं, चीजें क्या हो सकती हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैं क्या गेन कर सकता हूं, ठीक है, क्या मेरी लिमिट्स हैं, क्या चीजें मुझे मिली हुई है, क्या मेरा फेट है। तो इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट लियो सोल ट्राइब अंदर से जानने लगेगा। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मैंने बोला है रुपया, पैसा, धन दौलत, ठीक है, करियर और मनी, फाइनेंस, इन सब की ग्रोथ का मंथ है आप लोगों के लिए अप्रैल, और वर्क का ही, काम का ही ज़्यादा यहाँ पे आया है। और जो मैं देख रही हूँ कि बीज बो दिया गया है, फसल तैयार है, फसल काटने का टाइम है, और अप्रैल में वैसे भी फसल कटती है गाइस, मार्च के एंड में और अप्रैल में वैसे भी फसल कटती है। तो लियो सोल ट्राइब ने जो पास्ट 3-6 महीने से मेहनत की है अपने करियर में, तो मैं कहूँगी कि सारे कार्ड इसमें, यहाँ पे कोई ना वॉन्ड्स वाले कार्ड भी ज्यादा नहीं आए हैं, वॉन्ड का एक कार्ड आया है जो सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। सो यहाँ पे है कि फसल काटने का टाइम है, अब मेहनत करने का टाइम नहीं है, मेहनत कर ली है पहले, ठीक है, गुड़ाई, निराई, बुआई, वो सब आपने कर लिया है, पानी अच्छे से दे दिया है, टेक केयर कर लिया, अब सिर्फ हार्वेस्टिंग का टाइम है, ठीक है, फसल काटने का टाइम है। तो लियो सोल ट्राइब यहाँ पे अप्रैल में काट रहा है फसल, यानी कि ढेर ढेर सारा फॉर्च्यून है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही आ गई है भाई, ठीक है, और ये बहुत स्लो हुआ है, ये रिजल्ट है, ये उस ढेर सारे अथक
प्रयास का, उस अथक मेहनत का रिजल्ट है जो आपने पहले से की है, ठीक है। सो ढेर सारा यहाँ पे प्रोस्पेरिटी का एस्पेक्ट है, आप चीजें खरीद सकते हैं, आप बड़े अच्छे अच्छे स्मार्टफोन ले सकते हैं, अच्छी गाड़ियां, अच्छे व्हीकल ले सकते हैं, कोई घर ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने अपनों के लिए कुछ चीजें खरीद के उनको सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं होगी, ये मंथ पैसा लेके आएगा, रुके हुए बोनस, रुके हुए जितने भी काम हैं, और क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड स्लो होते हैं, और यहाँ पे साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, ये बताने के लिए कि भगवान मेहरबान है, ये भगवान के ही हाथ हैं जो आपको रुपया पैसा धन दौलत, ठीक है, प्रोस्पेरिटी, नेम फेम मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिलवा रहे हैं यहाँ पे, तो ये भगवान के ही हाथ हैं, और वो ईश्वर जब देने पे आते हैं तो आप भी अपने दोनों हाथ खोल के लीजिएगा। और अप्रैल बहुत ही अच्छा शुभ महीना लियोज के लिए मुझे यहाँ से मैं देख पा रही हूँ, अपना पूरा 100% देना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है अपने वर्क पे, पूरा फोकस देना है, जितना आपके पास है उससे 200% आपने देना है। फोर ऑफ वॉन्ड्स हैं, वॉन्ड्स के दो कार्ड आए हैं, मैंने बोला है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स हैं, और दोनों ही कार्ड सेलिब्रेशन के, यहाँ तो लिटरली सेलिब्रेशन हो रही है, और ये कार्ड तो देखिए जैसे लाइफ की स्टेज पे जाके एक इंसान को एक अवार्ड मिलता है, या फिर लाइफ का फोकस उसको मिलता है, चार लोग उसको देखते हैं, तो ढेर सारा अप्रिसिएशन मोस्टली फैमिली में और वर्क प्लेस पे मैं देख पा रही हूँ, यानी कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में बात करेंगे कि वाह भाई इसने क्या बढ़िया काम किया है, और कुछ तो लियोज आप करेंगे। तीन कार्ड्स बैक टू बैक इस तरह के आ जाना, मतलब स्टार का कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स का, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का, कुछ तो लियो सोल ड्राइव ऐसा करेगा भाई जो ना मतलब सबकी आंखें खुली रह जाएंगी, सब आपके जैसा बनना चाहेंगे, सब लिटरली आपसे पूछेंगे भाई तूने क्या किया है, क्या खा लिया है भाई तुमने, तो सेलिब्रेशन है गाइज यहाँ पे ना, प्यार का वैसे एस्पेक्ट नहीं आया है कि कोई न्यू लव है या कुछ भी है, लियो सोल ड्राइव यहाँ पे सॉर्टेड है, ठीक है, लियो सोल ड्राइव यहाँ पे पता है उनको कि उनका पार्टनर कौन है, कोई नया लव वगैरह इस तरह के अभी नहीं है, उनको पता है उनका पार्टनर कौन है, उनका लव लाइफ का एस्पेक्ट सॉर्टेड है, उनका जो लवर है वो फिक्स्ड है, उनको पता है वो कमिटेड हैं ऑलरेडी, तो ये नया इंसान आएगा, नया पर्सन आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटी वैसा कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि वही इंसान है, वो सॉर्टेड है, वो क्लियर है कि मुझे इसी के साथ घर बसाना है, तो ढेर सारे लोगों का यहाँ पे सेलिब्रेशन है, बहुत तरह का सक्सेस पार्टी हो सकती है, हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, कुछ भी पार्टी हो सकती है, ठीक है, और कोई भी कमिटमेंट दे दी आपने और उसको पूरा करेंगे अप्रैल के महीने में, चाहे वो लव के रिगार्डिंग थी, चाहे वो काम के रिगार्डिंग थी, तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा आप लोगों का सब कुछ ही रहने वाला है। और कार्ड्स हमने क्योंकि ऑलरेडी निकाल लिए थे अपने टाइम को सेव करने के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं न्यू विजन है गाइज आप लोगों के लिए। न्यू विजन क्या होता है कि एक बड़ा सपना, सपना सपना तो ड्रीम होता है ना, पर ड्रीम नहीं आया यहाँ पे, न्यू विजन आया है, ठीक है। सो एक विजन होता है कि हम देखते हैं, हम जानते हैं अंदर से कि हम इसे अकम्प्लिश कर सकते हैं, एक ऐसा सपना जिसको पूरा किए बिना इंसान को लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, और जिसको पूरा करने के बाद लगता है कि यार बस मैंने सब कुछ पा लिया, अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। होती है एक बात हर इंसान की लाइफ में, एक चीज, एक इच्छा, एक इस तरह का एक मोमेंट होता है जब वो कहता है कि अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो इसी चीज के लिए जी रहा था। तो कोई बहुत बड़ा सपना जिसको आप देखते आए हैं वो फुलफिल होगा अप्रैल के मंथ में। कीप विजुअलाइजिंग इट एवरी डे एवरी नाइट, हर दिन हर रात इसको विजुअलाइज करना है आपने। और यहाँ पे है पॉसिबिलिटीज, सो आपके कार्ड्स आपके सामने हैं, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर, आप खुद भी कार्ड्स पढ़ना जानते हैं, ठीक है, और मेरी रीडिंग देखते रहिए, आपको ना टैरो कार्ड्स की कोई क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से कार्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी, आप मेरी 100 वीडियोज लगातार देख लेंगे ना तो आपको ना टैरो कार्ड्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको टैरो कार्ड्स की आप रीडिंग कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है, आप दूसरों को सिखा सकते हैं, आप अपने लिए कार्ड्स निकाल सकते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कार्ड्स निकाल सकते हैं, और टैरो के कार्ड्स ना सभी को पढ़ने आने चाहिए, टैरो के कार्ड्स हमें लाइफ में बहुत अच्छी क्लैरिटी और गाइडेंस देते हैं। तो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं भाई आप लोगों की लाइफ में, ढेर सारी पॉसिबिलिटीज अप्रैल लेके आया है, शादियों की भी है, नए घर की भी है, और वर्क फोर्स पे अगर देखो प्रमोशन की भी है, तो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे सब कुछ ही है, बार बार क्या बोलूँ इसको, साइलेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे
क्लिंगिंग टू दी पास्ट आपने नहीं करना है, और आपकी रीडिंग में क्लिंगिंग टू दी पास्ट इतना नहीं आया है, लेकिन जब कभी आप अप्रैल में थोड़ा सा भी नेगेटिव, क्योंकि देखिए हम 24 घंटे पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं, नेगेटिव जो माइंड है हमारा हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये गाइडेंस में आया है, तो आपने इसको हावी नहीं होने देना है। कैसे कैसे रोकेंगे, जब मन हावी हो जाए तो उसको कैसे रोकें भाई? ऐसे रोकें, साइलेंस में जाके साइलेंस को प्रैक्टिस करना है, चाहे 10 मिनट के ही लिए सही, सुबह या शाम जो भी टाइम आपके पास मिलता है, अपने साथ मौन में बैठना है, चुप होके, और देखना है कि ये माइंड कैसे कैसे हमारे ऊपर हावी होता है और कैसे कैसे हमें नचाता है। और यहाँ पे थोड़ी सी गाइडेंसेस हम मून से लेंगे। यहाँ पे है बी ब्रिंग लव इन टू दी सिचुएशन, ठीक है? तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट, जो कि पास्ट में बहुत कुछ नेगेटिव हुआ है 2023 में या उससे पहले आप लोगों के साथ, जब भी वो चीज़ हावी होने की कोशिश करे आपके साथ, आपने उस सिचुएशन में प्यार का एस्पेक्ट डालना है, ठीक है? और प्यार का एस्पेक्ट कैसे डालेंगे? माफ़ करेंगे भाई, सामने वाले को माफ़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि लियो सोल ट्राइब ने खुद को माफ़ कर दिया है। जब एक इंसान खुद को माफ़ करता है, आगे बढ़ता है, तभी उसकी लाइफ में इतने प्यारे से एस्पेक्ट आ पाते हैं जो लियोज की लाइफ में आए हैं। तो अब दिस इज द टाइम कि आप उन लोगों को भी माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी माफ़ करने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि हम खुद को माफ़ करें। सो यू आर रेडी हियर कि आप उनको अब माफ़ कर सकते हैं। तो सिचुएशन में आपने प्यार को लेके आना है, प्यार का थोड़ा सा रंग डालना है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिटरली जाके उनको बोलें कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, नहीं, सिर्फ अपने मन में माफ़ कीजिए। और इसका ये मतलब भी कतई नहीं है कि आप उनसे दोबारा कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर लें, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन की गांठों को खोलना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और अभी अभी कार्ड आया था, कहाँ गया मेरा कार्ड? विजन दोबारा आ गया है। मून भी कह रहे हैं कि जो भी आपका ड्रीम्स है ना, उनमें फेथ रखिए, वो कंप्लीट होंगे, वो फुलफिल होंगे। और एक प्रोमिस आप लोगों ने मुझे करना है, अप्रैल में, अप्रैल ख़त्म होने के बाद भी सही, चाहे जो जो भी आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएं, जो भी आपको ड्रीम जॉब मिल जाए, जो भी आपको प्रमोशन मिल जाए, या आपकी शादियां हो जाएं, या आपकी फिक्स हो जाएं, शादियां रोके हो जाएं, कोई भी सेरेमनी हो, हाउस वार्मिंग पार्टी हो, जो भी हो, इस रीडिंग पे आके दोबारा आपने कमेंट करके मुझे बताना है लियो सोल ट्राइब कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, ठीक है? सो यहाँ पे है, इसको यहाँ रख लेते हैं। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। और मैंने बोला है ना, जब आपने खुद को माफ़ कर दिया है तो उन लोगों को भी माफ़ कर दें। और ये भी हो सकता है कि जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, क्योंकि माफ़ 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 करना, माफ़ करना, फॉरगिवनेस बार बार आ रहा है, तो हो सकता है वो आपसे माफ़ी मांगे, तो आपने उनको माफ़ करना है। और आपने उनको अपनी लाइफ में जगह देनी है कि नहीं देनी है, दोबारा उनसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना है कि नहीं करना, इट इज़ अप टू यू। ये आपने देखना है कि आपने उनको अपनी लाइफ में एक्सेस देना है तो कितना देना है या नहीं देना है, लेकिन माफ़ जरूर करना है, ठीक है? और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। और आप करेंगे, यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ठीक है? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये उनको माफ़ करने वाला भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उनको माफ़ करना चाहें तो अपने मन में कीजिएगा, ठीक है? उनसे माफ़ी मांगना चाहें, बहुत बार ये भी होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ हमने भी कुछ गलत किया होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही गलत होता है, तो आप माफ़ी मांगिए। और अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो जाके मांगिएगा। किसी को माफ़ करना है अपने मन में कीजिए, और किसी से माफ़ी मांगनी है तो सामने जाके कीजिए। बी ब्रेव, बी बोल्ड, ठीक है? लाइफ में यही होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ हम लेंगे एंजल से गाइडेंसेस। सो यू आर रेडी, आप रेडी हैं, आपके कार्ड्स आपको बता रहे हैं, अलग अलग डेक से हमने कार्ड लिए हैं जो सारे कह रहे हैं कि लियो सोल ट्राइब इज रेडी टू मूव ऑन विक्ट्री के लिए। भाई विक्टर हैं आप लोग ना, विक्ट्री के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ पे कोई चीज़ है जिसके लिए नो है, हो सकता है आप किसी ऐसी दिशा में काम कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे आया है ना ये वाला, मैंने बोला था आपको दिशा चेंज करने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको दिशा चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत बार एक दिशा में हमें सक्सेस इसलिए भी नहीं मिल पाती है कि वो हम बने ही नहीं होते हैं उधर काम करने के लिए। सो इस चीज़ के लिए नो है, ये आप देख लीजिएगा कि आपके पर्टिकुलर केस में ये किस चीज़ के लिए नो है। एंड इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो ये सब चीज़ें, ये प्यारा सा एस्पेक्ट अप्रैल का आपका है भाई, एंड वेट है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, नो भी है और वेट भी है।
सो थोड़ा पेशेंस रखना है, और हो सकता है तो अपनी उस दिशा को भी बदलने की जरूरत है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, और एफर्ट्स लगाने से भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। सो ढेर सारी प्यारी सी रीडिंग है लियो सोल ट्राइब की। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और रीडिंग को शेयर कीजिएगा। अच्छी चीज़ों को शेयर करना हमेशा ही अच्छा होता है, और आपके कार्मिक्स को भी काटता है, और आपके भी कर्म अच्छे करता है, आपकी ब्लेसिंग अकाउंट्स को बढ़ाता है। सो अपने लियो सोल ट्राइब के साथ, ठीक है, इसको शेयर कीजिएगा। जनरली भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं अगर आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते हैं, और अगर रीडिंग्स को लाइक करते हैं, मेरा स्टफ पसंद करते हैं, तो मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कुछ वीडियोस किन टॉपिक्स पे चाहिए मुझसे, और सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से मेरे चैनल को। नया चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत बहुत मुझे जरूरत है ताकि मैं अच्छी अच्छी सी रीडिंग लेके आपके सामने आती रहूं। और अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो बहुत स्टक हैं और लाइफ की किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जिसका समाधान आपको नहीं मिल पाता है, तो आप मुझसे पर्सनल जो अगर बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड्स और भी ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ, तो कोई भी पर्सनल अगर आपको आपसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग वहां पे कॉल करते हैं, जब मैंने पहले ही बोला है कि वो मेरी टीम का नंबर नहीं है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, वो टीम का नंबर है, और टीम जो है सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट ही अवेलेबल है वहां पे कोई कॉल पिक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतना ही सपोर्ट हम दे सकते हैं। हमें दिन के ढेर सारे कॉल्स आते हैं, ढेर सारे मैसेज आते हैं, हजारों मैसेज रोज आते हैं, सैकड़ों कॉल्स रोज आती हैं। सो मुझे बताइए सैकड़ों कॉल्स कौन उठाएगा, हजारों मैसेज का हम जवाब दे दें वो ही बहुत बड़ी बात होती है। टीम है भाई, इंसान है वो लोग भी, कोई मशीन तो नहीं है ना। सो आप सिर्फ वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, मैसेज का आपको रिप्लाई आ जाएगा, घंटे दो घंटे चार घंटे के अंदर रिप्लाई जरूर आ जाएगा। सो डोंट वरी, और आपने कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज में ही अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, वहां से हम आपको सारा का सारा प्रोसीजर बता देंगे। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।